ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼। ने पहले हमारी गुड़िया के इन्हें थप्पड़ मार दिया था, राहुल सनोप राजू। तो हमने महिला थाने में कंप्लेंट करी थी, तो वहाँ पे इसने माफ़ी मांग ली थी, इसके बाप ने माफ़ी मांग ली थी और कहा था कि आगे से कोई अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मेरे को चाह अंदर डाल दूँगा। तो फिर हमने इसको माफ़ कर दिया था, राजीनामा कर लिया था। और आज ये 6 बजे घूमने गई लड़की, तो 7 बजे आ रही थी जब वहाँ से पार्क से निकली, तब जाकर इसने कहा कि तने ठीक नहीं करा कंप्लेंट करके वो, और चाकू मार के वो सर्जरी ब्लेड था बता रहे वो मार के भाग गया था। इन्होंने हेल्प हेल्प चिल्लाया तो इसके पीछे पब्लिक भागी लड़के के, और फिर इसने अपने वहाँ से भाग गया था। और ये हमारी गुड़िया वो एक रागीर था वो और एक उसकी सहेली दोनों लाए हैं, वो है ना बिग बाज़ार के सामने पार्क, उसमें प्रेम अस्पताल में ले आए। कब से तंग कर रहा था? लड़का 1 महीने से तंग कर ही रहा था, कम से 1 महीना तो हो ही जाता है। 2-3 दिन पहले भी तंग करी थी? नहीं, 2-3 दिन पहले कोई नहीं था। पहले से जानते, साथ पढ़ते थे या क्या? कुछ नहीं, वो पड़ोस में रहता है तो एक लिए छोड़ कर जी। हाँ, पीछे रहता है। लड़की फैशन डिजाइनिंग कर रही है फर्स्ट ईयर। तो मेरे मैंने फ़ोन करा 8 बजे करीब, टेम्पो वाले ने बताया था कि आपके लड़के का गला कटा हुआ है। टेम्पो वाले ने फ़ोन उठाया था, सिविल हॉस्पिटल आ जाओ। हम यहाँ पे आए तो फिर टेम्पो में था नहीं, टेम्पो में से उठा के अंदर ले गए हॉस्पिटल में। उन्होंने डॉक्टर में जा दिया, अभी डेथ हो गई। कैसे गला कटा इसका? ये तो कोई पता नहीं चला। आपको क्या शक है? सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हमें पता ही नहीं था किसी के साथ किसी ने काटा किसी ने। ये राहुल क्या करता था? ये BBA कर चुका था, CA की तैयारी कर रहा था, एडमिशन करा लिया था इसने। लड़की ने बताया कि पहले भी झगड़ा हुआ, कोई कंप्लेंट दी थी? हाँ जी, पहले भी झगड़ा हुआ था, वो आपस में बैठ के राजीनामा हो गया था। ये साजिश भी हो सकती है इनकी मारने की, कोई प्लान बना रखा हो इन्होंने पहले। कौन मार सकता, किन पे शक है? लड़की वालों पे शक है जी, और बाकी आगे कानूनी कार्रवाई करो हमारे। एक लड़का लड़की को चोट लगी है, उनको तेज़धार हथियार से दोनों को चोटें हैं। एक लड़की जो बच गई है और लड़के की गर्दन में जो तेज़धार हथियार की चोटें हैं, अभी जांच कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे लड़के वाले या लड़की वाले, उसी हिसाब से FIR करके और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जो भी आउटकम आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, वर्बली तौर पर जैसे इन्होंने बताया कि 1-1.5 महीने पहले लड़की ने कंप्लेंट की थी लड़के की, वो देखेंगे। अभी जांच का विषय है वो भी कि वो एक्चुअल में थी भी या इनकी आपस में बात हुई थी, अभी उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता बिना रिकॉर्ड चेक। मारने वाला अकेला था या उसके साथ और भी कोई था? अभी कुछ नहीं बताया किसी ने, वो जांच कर रहे हैं, उसके बाद में पता लगे। प्रेम प्रसंग का मामला है? हाँ, नेचुरल है। को जो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लड़की लड़के की कंप्लेंटबाजी हुई है पहले, तो हो सकता है कि उस प्रेम प्रसंग का मामला हो। बाकी जांच अभी उन्होंने दी है, स्टेटमेंट दी है, उसके हिसाब से उस पर जो ऑफेंस, जिसकी कंप्लेंट के ऊपर जो ऑफेंस बनता है उसके हिसाब से FIR करके फर्दर कार्रवाई करें। Please subscribe our channel for more updates. You can follow us Twitter and Facebook.